हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सन्नी साइंस सेंटर एजी कॉन्सेप्ट। कार्बन एंड कंपाउंड का पार्ट टू है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे हम, जिसका नाम है अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैंने पिछले लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि कार्बन है क्या। तो कार्बन एक नॉन मेटल है जिसके पास और जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 में हम करते हैं, ठीक है। इस एक कार्बन जो है सबसे ज़्यादा बॉन्ड इसलिए बनाता है या सबसे ज़्यादा कंपाउंड इसलिए बनाता है क्योंकि इसके पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है। नंबर 1 है टेट्रावेलेंसी और नंबर 2 जो है वो आपका आ जाता है जाकर के कैटिनेशन का, ठीक है। तो टेट्रावेलेंसी में हम लोगों ने देखा था कि 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आज का जो टॉपिक है वो है अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। इसका मतलब क्या होता है? डिफरेंट फिजिकल फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, है ना। अलोट्रॉप्स क्या होता है कि कौन एलिमेंट जो है वो कौन कौन सा फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको हम अलोट्रॉप्स कहते हैं। तो डायमंड एक डायमंड क्या है? तो इट इज द हार्ड नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस। ठीक है, ये क्या है? एक हार्ड सबस्टांस है जो कि नेचुरली ऑकर होता है और इसके पास जो है वो क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस होता है, मतलब इसका जो चमक जो है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन और एक कार्बन को कंसिस्ट करता है। ठीक है, ये जो डायमंड है आपका नेचुरली ऑकरिंग सबस्टांस है जो कि ट्रांसपेरेंट है और क्या कह रहा है, इसमें एक्स्ट्रा ब्रिलियंस यानी चमक होती है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे पहली बात इसमें हम लोग जानेंगे कि इट इज वन ऑफ द अलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन का एक अलोट्रॉप्स है यानी फिजिकल फॉर्म है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि अगर इसमें टेस्ट करेंगे कि ये कंसिस्ट करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप बर्न करेंगे डायमंड को तब CO2 फॉर्म होगा। इसके टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लाइम वाटर लेना होगा और लाइम वाटर लेंगे तब क्या होगा कि आफ्टर सम टाइम जब व्हेन यू पास द CO2, जब लाइम वाटर आप लेंगे और CO2 को पास करेंगे तो आफ्टर सम टाइम लाइम वाटर टर्न्स इनटू मिल्की, वो जो लाइम वाटर है आपका मिल्की कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि जब मिल्की कन्वर्ट होगा वही प्रूफ करता है कि द गैस विच इज फॉर्म्ड ऑन बर्निंग डायमंड इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को जब डायमंड को बर्न करेंगे तो गैस जो रिलीज होगा उसका कार्बन डाइऑक्साइड कंसिस्ट करता है। तो ये डायमंड के बारे में है। इसके बाद सबसे पहली बात, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि हम बताए थे टेट्रावेलेंसी कार्बन कंसिस्ट करेगा तो कार्बन में 4 होता है और ए क्या करता है, 4 के 4 ए यहाँ पे ऑक्यूपाई कर लेता है। देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। सो इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों बैड कंडक्टर? क्योंकि यहाँ पे जिसका जब इसका स्ट्रक्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे तो जितना भी इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वगैरह होते हैं वो सब बॉन्ड बनाए हुए रहते हैं। ठीक है, कोई फ्री नहीं होता है, तो इसीलिए इसका मतलब कि सबसे पहले क्या है, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कार्बन कंसिस्ट करता है। और इसका जो यूजेस वगैरह है इसका सबसे मेन पहला जो यूज होता है ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ठीक है, ड्रिलिंग वगैरह करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं कटर के इस्तेमाल, एज ए ग्लास कटर, है ना। इसका इस्तेमाल ग्लास कटर के तौर पे किया जाता है। ठीक है, और it is used by eye surgeon to remove the layer of cataract from the patient eye.
ठीक है। देखिए तो डायमंड के बारे में सबसे पहली बात, हम लोग ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देख रहे हैं, तो तीन होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुल्डन। डायमंड है क्या? इट इज द हार्ड नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस, इट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट है, विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, जो कार्बन शामिल करता है, ठीक है। इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मैं बताया कि यहाँ पे जो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब क्या है, बॉन्ड बनाने में जुटे होते हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता है। और इलेक्ट्रिसिटी पे वीडियो जो बनाया है उसमें हम लोगों ने देखा था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, या फ्लो ऑफ चार्ज को क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसके बाद देखिए इसका इस्तेमाल जो है कहां कहां किया जाता है, तो ड्रिलिंग इक्विपमेंट में है ना, ड्रिलिंग इक्विपमेंट बनाने में किया जाता है, एज ए ग्लास कटर, ग्लास कटर के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इट इज यूज्ड बाय आई सर्जन है ना, आंख के जो डॉक्टर होते हैं ना, ऑपरेशन जो करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इसमें। वो क्या होता है कि कैटारेक्ट एक लेयर बन जाता है, ठीक है, तो उस लेयर को हटाते हैं पेशेंट के आई से, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग इन जगहों पे करते हैं। कल मैंने आपको एक बात चर्चा किया था कि कार्बन जो होते हैं, ये जो कार्बन है आपका जिसका एटॉमिक नंबर जो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था आपका 2 और 4, ये मेनली जो है वो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और मैंने इसके बारे में आपको चर्चा किया था कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होगा वो क्यों किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड के केस में मैंने बताया था कि जब भी कोवैलेंट की बात होगा तो याद रखेंगे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। तो इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब बात आती है तो यहाँ पे क्या करता है, जैसे भी एक एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं, जैसे देखिए CCl4 का हम उदाहरण लेकर के चलते हैं, ठीक है, CCl4 है, तो यहाँ पे कार्बन है और क्लोरीन है, दोनों का एटॉमिक नंबर लिखिए, क्लोरीन का 17 होता है, कार्बन का 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे 2 और 4 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 और 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, कार्बन को पहले प्लेस कीजिए और Cl4 क्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ना वो क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अब देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए कितना है 7, तो 7 डॉट बनाइए, 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। और एक कार्बन के पास देखिए कितना है, 4 है, तो इसका इसका कार्बन के पास 4 देखिए। ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये सब क्या करेगा कि एक कार्बन से ले लेगा, तो ये तो यहाँ पे लॉस करवा दे रहा है, तो ये आयोनिक के केस में आ जाएगा, ये लॉस जो हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कोवैलेंट के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ देखिए 1-1 सेटिस्फाइड करेगा, ये सब क्या कर लिया, एक ले लिया क्लोरीन और वो अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि कार्बन के पास 4 है और ये चारों क्लोरीन से फिर शेयर करके अपने आप को सेटिस्फाइड करता है, तो ये देखिए ठीक है, तो यहां पर जो बॉन्डिंग बना रहा है ये खुद को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ए जो क्या होता है इसका जो स्ट्रक्चर हो गया वो हो गया आपका कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। मतलब कोवैलेंट के केस में क्या होता है कि ए आपका जो फॉर्मेशन होगा बॉन्ड वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में है ना चर्चा कर रहे थे, कैसे बनता है कोवैलेंट, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में, जबकि आयोनिक में NaCl के बात करेंगे तो सोडियम जो है आसानी से लॉस कर देता है, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं हम ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट क्या है, तो इट इज ग्रेस ओपैक ऑब्जेक्ट है ना, ए ब्लैक या ग्रेस ग्रे टाइप के कलर में होगा, ओपैक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन होते हैं, ठीक है, ये कार्बन को प्रेजेंट करता है, इसको भी आप बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन होगा, जिसको आप चेक कर सकते हो लाइम वाटर को मिल्की करवा करके, ठीक है, तो इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन,
इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है हेल्प करता है कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और यही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जैसे कार्बन जो है ना हर तीन से जुड़ा होता है, ठीक है, और एक जो है वो फ्री रह जाता है। तो जो फ्री रहता है तो फ्रीज का काम क्या है, टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका जो इस यूजेस वगैरह जो आ जाता है, यूजेस जो है, पहला क्या कहा जाता है कि इसका इस्तेमाल ल्यूब्रिकेंट के तौर पे भी करते हैं, ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे किया जाता है, ठीक है, जो मतलब कि लिक्विड ग्रेफाइट वगैरह है या पाउडर टाइप का है, इसका इस्तेमाल हम लोग जाकर के ल्यूब्रिकेंट्स के तौर पे करते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया मेकिंग पेंसिल लीड, मेकिंग पेंसिल लीड, पेंसिल लीड बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो है मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो जैसे बैटरी वगैरह हम लोग देखते हैं उसमें इलेक्ट्रोड रहता है ना, एक लंबा सा ब्लैक कलर का, वही उसका मतलब मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बनाने में हम लोग करते हैं, ठीक है। तो तीन फिजिकल फिजिकल डिफरेंट फॉर्म है किसका, ऑलोट्रॉफ जिसको कहते हैं कार्बन का, जिसका नाम हो गया डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस, ठीक है। तो ग्रेफाइट के बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, इट इज द ग्रेस ओपैक ऑब्जेक्ट, ओपैक ऑब्जेक्ट है जो कंसिस्ट करता है कार्बन को, और इट कंसिस्ट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। यूजेस में इसका ल्यूब्रिकेंट के तौर पर करते हैं, पेंसिल में लीड बनाने में किया जाता है, और मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड, इसमें कार्बन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, ठीक है। और बस इसका इतना ही मतलब की है, और जाकर के आगे हम देखते हैं थर्ड जो है वो फाइनल स्टेज है, वो आपका है बकमिंस्टर फुलरेंस। तो ए जो है ना, ए जो कार्बन और कार्बन और सॉरी सबसे पहला जो डायमंड आप देख रहे हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है, ए जो है आपका डिस्कवर्ड अर्लियर, है ना, ये पहले से ही इसका खोज हो चुका था, ठीक है, लेकिन जो रिसेंट में मिला है वो आपका ये है बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो बकमिंस्टर फुलरेन क्या है, ठीक है, देखिए बकमिंस्टर फुलरेन क्या है, तो इट इज अनदर ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, इट इज अनदर ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये कार्बन का दूसरा ऑलोट्रॉप्स है। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम, 60 कार्बन एटम्स इन द शेप ऑफ फुटबॉल या स्पेरिकल फुटबॉल, ठीक है। देखिए है क्या इसके बारे में, बस इंट्रोडक्शन पढ़ना, जैसे ए जो है ना रिसेंट में स्टेट का खोज हुआ था इसका, कि एक जो है मतलब ऑलोट्रॉप जो है कार्बन का वो बकमिंस्टर फुलरेन है, और ए क्या करता है 60 कार्बन कंसिस्ट करता है, ठीक है, क्लस्टर गुच्छा टाइप के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी प्रकार से करते करते 60 ऑलोट्रॉप से पूरा एकदम मिला हुआ है ना फुटबॉल के शेप में, ठीक है। और ए जो 60 पूरा फुटबॉल के जो शेप है, ठीक है, इसको हम बकमिंस्टर फुलरेन कहते हैं। ए जो 60 फॉर्म इसमें मिलेगा आपका, दो स्ट्रक्चर मौजूद रहेगा, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरेन जो मिलेगा आपका इसमें दो स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक का नाम है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, और दूसरा का है आपका पेंटागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर रहता है वो बता रहा है, इसका जो संख्या है हेक्सागोनल का वो है 20, और पेंटागोनल का जो स्ट्रक्चर है वो है 12। तो ए बकमिंस्टर फुलरेन जो है आपका अनदर ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन का है ना दूसरा ऑलोट्रॉप, थर्ड ऑलोट्रॉप्स है जो कंसिस्ट करता है 60 कार्बन एटम्स, ठीक है, 60 कार्बन का क्लस्टर होता है, और ए स्फेरिकल फुटबॉल शेप का होता है, ठीक है, जिसमें बता रहा है कि 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, ठीक है, और एक ऐसा शेप है आपका तो फुटबॉल का शेप है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में।